बम बम उधर आ जाओ ये पूरा ग्रेवियार्ड था, ये रोड पे निकाले थे, ये रोड पे जो निकाले ना ये ग्रेवियार्ड था। ये इसके बावजूद भी 8000 स्क्वायर यार्ड जमीन जो है ना जेल वाला जो है ना ग्रेवियार्ड हो, ये कितनी गुड़सलू का जेल का है, लेकिन हम ये जीएचएमसी को हैंड ओवर करें, जीएचएमसी को हैंड ओवर भी कराए। नाउ सर एंड आफ्टर द इंक्वायरी पंचनामा अस्सलाम वालेकुम। छौनी डिवीजन के अहाते में ये जो एरिया आता है, यहाँ पर सुल्तान दायरा ग्रेवयार्ड है यहाँ पर लगकर, तो ये ज़मीन जो जेल डिपार्टमेंट है से क्लेम की है कि ये ज़मीन जेल की है। पेट्रोल पंप के लिए यहाँ पर खुदाई हो रही थी, तभी यहाँ से मुकामी लोग जा रहे थे और उन्होंने देखा कि यहाँ पर कई एक खुदाई में खबरें नज़र आई और कई एक स्केलेटन्स नज़र आए, तभी हमको इत्तला दी गई। तो मैं मुकामे वाक़े पर आ पहुँचा और एमएलए साहब भी यहाँ पर आए हैं, फौरी आकर एमएलए साहब और मैं सुपरिटेंडेंट साहब से बात किए और एमएलए साहब ने उनको ताकीद की है कि जब तक यहाँ पर पंचनामा नहीं होगा ये इस खुदाई के काम को रोक दिया जाएगा। तो सुपरिटेंडेंट ने भी एमएलए साहब को यही तयन दिया है कि काम तब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक पूरा पंचनामा और पूरी हकीकत सामने जब तक नहीं आएंगी। और मुकामी अफराद ने पहले ही इस वकबोर्ड को एक नोटिस भेजे है पूरे महल्ले की तरफ से कि ये लैंड जो है ग्रेवयार्ड कब्रिस्तान से मुतसिल है और सुल्तान दायरे की ये ज़मीन है। तो इसी सिलसिले में वकबोर्ड को भी हमने बुलाया है और यहाँ पर पंचनामा कराएंगे, उसके बाद ही ऐसे सही हकीकत हमको मालूम होगी।